कुदरत ने तो ऐसा नहीं चाहा और कुदरत ने हमें ऐसा बनाया तो नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट हो। हम ऐसी लाइफस्टाइल को जी लेते हैं कि जिसके कारण हमारे अंदर इस तरह की सारी बहुत सारी डेफिशिएंसी डेवलप होने लग जाती है। जितनी आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हो उतना आपका कैल्शियम लॉस होने की संभावना हमेशा रहेगी। हाँ, कुछ भी आ रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, खतरा है, खतरा है। 50 साल पहले कम से कम लोग थोड़ा मोटा अन्न भी खाते थे। हमारा तेल जो हम खा रहे हैं वो पूरी की तरह डबल रिफाइंड, ये सब वर्ड हमारे जीवन में आ चुके हैं जो कि बहुत खतरनाक स्थिति है उसकी। जितने भी खाने हैं ये सब एसिडिक है। अधिकतर लोगों की जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि उनके कोई ना कोई मेडिसिन लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ जाती है। कैल्शियम को समझकर कोई खाना खाएं ये तो एक प्रकार की मूर्खता होगी। कारण क्या मालूम है, आप है ना पागल हो जाओगे, सारे दिन वो चार्ट को देख देख के आप खा नहीं सकते। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। कहते हैं स्वास्थ्य है, यानी हेल्थ ही आपका सच्ची वेल्थ है, सच्ची समृद्धि है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से आज डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि ज़्यादातर केसेस में इवन वर्ल्ड ओवर हम देखते हैं कि कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में ये कमी पाई जा रही है। तो कैसे इसका निदान हो और क्या इसका इलाज हो, किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल हो, कैसी हमारी दिनचर्या हो कि हमारे भीतर हमारे शरीर में जिन जिन पोषक तत्वों की कमी है उनको हम पूरा करें, उनका बेहतर तरीके से ख्याल रखें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एनके शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा जी। एनके शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि हम ज़्यादातर केसेस में आजकल देख रहे हैं कि लोगों में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से ग्लोबल एपिडेमिक बन गया, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूर्णिमा जी, एक्चुअल में देखा जाए तो कुदरत ने तो ऐसा नहीं चाहा और कुदरत ने हमें ऐसा बनाया तो नहीं है जी कि हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट हो। लेकिन हम अनजाने में, अज्ञानतावश हम ऐसी लाइफस्टाइल को जी लेते हैं जी कि जिसके कारण हमारे अंदर इस तरह की सारी बहुत सारी डेफिशिएंसी डेवलप होने लग जाती है जी। अब ये सब चीज़ें तो आज के युग में सामने आ रही है, क्योंकि पहले इतने सब टेस्ट लेबोरेटरी नहीं थी तो शायद आदमी जान नहीं पाता था। सदियों से आदमी माइग्रेट करता रहा है, तो अलग अलग जगहों पे जीता रहा है, कुछ भी खाता रहा है, जो मिल गया उसको यूज़ करता रहा है जी। तो धीरे धीरे वो ऐसे अलग 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 खान पान पर चला गया कि जिसके कारण हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। और जब बॉडी में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बढ़ जाता है जी, तो फिर वो हमारे बॉडी के मिनरल्स को जो है यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है जी। जैसे एग्ज़ाम्पल के अब कई सभ्यताएं ऐसी है कि जो सिर्फ नॉनवेज ही ज़्यादा खाया जा रही हैं जी, जी। तो अब जितना ज़्यादा कोई नॉनवेज का इस्तेमाल करता है जी, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड में हाई प्रोटीन डाइट से जो है यूरिया, यूरिक एसिड्स और कई तरह के जो ऐसे टॉक्सिक जो कंपोनेंट्स बनते जी, हैं जी। तो उससे बॉडी इतनी टॉक्सिक और एसिडिक हो जाती है कि उसके लिए हमारी बॉडी में से कैल्शियम को लॉस करना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं है। क्योंकि इतनी एसिड को बॉडी के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उसमें उनको कैल्शियम को न्यूट्रलाइज करने में एक बफर की तरह यूज़ करना पड़ता है जी। तो यूँ समझ लें, मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितनी आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हो जी, उतना आपका कैल्शियम लॉस होने की संभावना हमेशा रहेगी। और ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क कंजप्शन या मीट कंजप्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैल्शियम की प्रॉब्लम सबसे वहाँ पे ज़्यादा मानी गई है। और भारतीय जो हमारी स्थितियाँ हैं यहाँ पर, जहाँ पे शाकाहारी लोग भी काफ़ी हैं, उसके बावजूद हमारा कैल्शियम क्यों लॉस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग केवल अन्न दालों पर ही निर्भर रह के हो गए पूरी तरह, अन्न दालों पर। तो मीट जहाँ हायर लेवल पे एसिड और टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, वहाँ पर अन्य दाल जो है उसकी भी बाई प्रोडक्ट जो है वो भी एसिड्स हैं बेसिकली जी। तो वो भी हमारे ब्लड में कंटिन्यूसली एसिड पैदा करता है जी। तो उससे हमारा भी धीरे धीरे कैल्शियम जो है न्यूट्रलाइजेशन में ज़्यादा यूज़ हो जाता है और बॉडी को जो है फिर कम अवेलेबल होता है। तो और अगर हमारे खाने में फल सलाद और
अच्छी एक्सरसाइज या अच्छी सनशाइन वगैरह नहीं है तो फिर उस कंडीशन में हमारे अंदर कैल्शियम जो है रिटेन भी नहीं होता जी। और साथ में अगर स्ट्रेस जुड़ जाता है या डिप्रेशन जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारा बहुत कैल्शियम जो है लॉस होने लगता है। तो इसीलिए तो कैल्शियम एक ऐसी एक प्रकार से जैसे आपने बताया कि भाई ये वास्तव में एपिडेमिक की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल गया है क्योंकि सबकी डाइट ही वैसी हो गई है जी। ये तो खैर ये खान पान तो खैर हमारा जुड़ा हुआ ही था कई सालों से, लेकिन इसके बाद में और ज़्यादा डैमेज होना तब शुरू हुआ जब हम लोगों का भोजन प्रोसेस होने लगा जी। यानी कि आज से 50 साल पहले फूड की इतनी प्रोसेसिंग नहीं थी जी। जितनी आज इन 50 सालों में बहुत हो गई है। यानी कि हमारा पानी तक भी जो है प्रोसेस हो जाता है, हमारा ऑयल प्रोसेस हो गया, हमारे चावल दाल हमारे अन्न दालें सब कुछ प्रोसेस हो गए। तो आप मानते हैं कि जो पैकेज्ड पैकेट हाँ, में कुछ भी आ रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, खतरा है, खतरा है। क्योंकि कारण क्या होता है कि देखिए एक पहले 50 साल पहले कम से कम लोग थोड़ा मोटा अन्न भी खाते थे, फाइबर युक्त खाना भी खाते थे। अब आप देखोगे तो आटा जो है वो बहुत बारीक हो गया, फाइबर काफ़ी कम हो गया उसमें से, और घरों में जो है ऐसा आटा घुस चुका है। लोगों के अंदर चावल जो भी घर में खाए जा रहे हैं वो सब बगैर एकदम पॉलिश करके प्योर वाइट चावल खाए जा रहे हैं जी। और दालें खाई जा रही हैं वो सारी छिलके निकाल कर उसको भी पॉलिश करके जो है वो भी हमारे घरों में घुस गई है जी। हमारा तेल जो हम खा रहे हैं वो पूरी की तरह डबल रिफाइंड, ये सब वर्ड हमारे जीवन में आ चुके हैं जो कि बहुत खतरनाक स्थिति है उसकी जी। हमारा इवन सॉल्ट भी जो था एक ज़माने में, जब 50 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं 70 इयर्स का हूँ तो मुझे तो मैंने तो खाया है कि वो नमक हमारे घर में इतना मोटा मोटा समुद्री नमक आता था और हम घर में उसको पीसते थे तो वो टोटल सॉल्ट था। तो कम से कम मैं कहता हूँ जहर भी खाओ तो वो पूर्ण होना चाहिए ताकि बॉडी उसको अच्छी तरह से अकोमोडेट कर सकें, डेफिशेंसी क्रिएट ना हो। तो अब सॉल्ट भी जो है वो भी रिफाइंड हो गया जी। अच्छा फिर शुगर हमारे साथ में इतनी बड़ी एक सिविलाइजेशन की कर्स है एक प्रकार से कि जो शुगर भी ऐसे जुड़ गई कि उसके कारण फिर अब ये बताइए कि अब ये जितने भी खाने हैं ये सब एसिडिक है क्योंकि इसमें अल्कलाइनिटी या मिनरल्स जो भी थी वो सारी की सारी प्रोसेसिंग और उसके कुकिंग में काफ़ी डैमेज हो जाती है जी। अच्छा ऊपर से अगर कुकिंग होती है मान लो किसी फूड की तो फिर उसमें बचा किया आपने तो ऑलमोस्ट उसको सब डैमेज कर दिया। तो जब वो हम सारा डैमेज कर देते हैं तो कैल्शियम का कहीं बचने का कोई चारा ही नहीं रह गया। तो ऐसी कंडीशन में अब बॉडी को अपने में से कैल्शियम उसको देना ही पड़ता है जी। इस तरह से तो ऐसे हम जब तक इन कारणों को मौजूद रखेंगे और ये हमारे घर का खाना बना रहेगा तो फिर कैल्शियम का लॉस हम रोक नहीं सकते। और इसके साथ अभी तो और भी कारण है कि अगर हम इसके साथ कोई मेडिसिन लेते हैं जी। अगर और अधिकतर लोगों की जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि उनके कोई ना कोई मेडिसिन लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ जाती है जी। तो वो रेगुलर केमिकल कोई ना कोई केमिकल खा रहे होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कैल्शियम लॉस का जी। साथ साथ में फिर अगर और फिर ऐसी किसी की लाइफ तो मैंने देखी नहीं है कि जहाँ पे जीवन जहाँ जिनके जीवन में स्ट्रेस नहीं हो। देखिए ना ऑफिस से लेकर घर में भी बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर लोग जो हैं स्ट्रेस में है, भाई बहू ढंग की नहीं आई है कि सास ढंग की नहीं है कि हस्बैंड का नेचर अजीब सा है, वाइफ का नेचर अजीब सा है, नौकर काम नहीं कर रहा है, स्टाफ ढंग का नहीं है, बॉस बेकार है, तो इन सब चीज़ों से भी ये स्ट्रेस अलग है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेसेस अलग हैं तो लाइफ में आप देखोगे कि जहाँ स्ट्रेस है वहाँ कैल्शियम का लॉस है जी। तो स्ट्रेस है वो कैल्शियम का लॉस है, लेकिन अभी कई चीज़ों के बारे में आपने चर्चा की, चाहे वो नमक की बात हो, चाहे आप चीनी की बात कर रहे हैं या रिफाइंड बहुत सारे ऑयल्स हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपनी किचन से निकाल देना चाहिए जो हमारे कैल्शियम को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रही हैं, और कैसी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए जो हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को हमारे स्वास्थ्य के अनुसार बेहतर रखेगी? देखिए पहली बात क्या होता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू क्योर एनी डिजीज़ तो हम कहते हैं पहले कॉज को क्योर करो जी। तो कॉज जो है जो मैंने अभी बताया कि भाई स्ट्रेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है, लैक ऑफ सनशाइन है, जिससे विटामिन डी, देखिए विटामिन डी नहीं मिलता तो कमबख्त कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता जी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि आपको विटामिन डी सनशाइन से नहीं मिल रहा तो किसी और तरीके से ले जाएं? देखिए अगर हम हरी पत्तियां और जो क्लोरोफिल जो होती हैं जो कि सनशाइन में बहुत समय तक रहती है और जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं
ये अगर हम रॉ फॉर्म में खाएं तो चूंकि ये बहुत सनशाइन को अब्जॉर्ब कर रही होती है कई दिनों तक जी, तो इसलिए अगर हमारे खाने में रॉ की अच्छी मात्रा है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की प्रॉब्लम नहीं आ सकती जी, क्योंकि हमारा चूंकि खाना मैक्सिमम कुक्ड है जी, हम सारा आग में डालकर उसको बर्बाद करके ही खाते हैं, तो फिर विटामिन डी के मिलने की कोई संभावना ही नहीं बच गई मतलब कहीं पर भी। और ऊपर से अगर हम सारे दिन घरों में बैठे रहते हैं और बाहर का धूप के साथ थोड़ा कम हमारा नाता होता है, क्योंकि घर से निकले कार में बैठ गए, कार में गए ऑफिस में चले गए या और वापस घर आ गए, फिर तो कहीं धूप का कोई सहारा मतलब कहीं पर कोई कनेक्शन बनता ही नहीं हमारा जी। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपके बॉडी में कैल्शियम के अब्सॉर्ब होने का और विटामिन डी मिलने का कोई चारा ही नहीं बच गया। आप कह रहे हैं कि अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे हैं हाँ, तो और अगर उसे पका के खा रहे हैं हाँ, तो आपकी अगर हरी पत्तेदार सब्जियों को पका के खाया जाए तो विटामिन डी की संभावना नहीं है फिर, क्योंकि वो जब तक रॉ है क्लोरोफिल उसमें लाइवली है तब तक उसमें बॉडी में विटामिन डी की संभावना ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात ये होती है कि एसिड एनवायरनमेंट अगर हमारे ब्लड में है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम होती है, अल्कलाइन वातावरण में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन फास्ट होती है जी। तो अल्कलाइन जो है वो फ्रूट सैलेड्स और हमारे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं अनकुक्ड जो है वो बॉडी के अल्कलाइनिटी को मेंटेन रखती है, तो वो अगर हमारे खाने पीने में नहीं है तो फिर कैल्शियम का मिलने की मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये समझ लें आप। कुछ मिथ्स ऐसे होंगे जो जैसे कहा जाता है कि अगर आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, अगर आपको कुछ फैटी आप चीज़ें ना खाएं या ऑयल ना लें या कुछ घी ना लें, ऐसी भी कई बातें कही जाती हैं कैल्शियम के लिए जी। नहीं देखिए, फ्राइड चीज़ों का प्रॉब्लम आता है वो एक अलग चीज़ हो गई है, क्योंकि फ्राइड ऑयल से फ्री रेडिकल्स मतलब बॉडी में रिलीज होते हैं और उसके डिफरेंट बायो मतलब लीवर पे अलग इफेक्ट होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फैट का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कैल्शियम के साथ में, जितना कैल्शियम का हमारे बॉडी में हाई प्रोटीन डाइट और हाई प्रोसेस फूड से और केमिकल और मेडिसिन से ज़्यादा रिलेशन है। कैल्शियम लॉस होता है हाँ जी, कैल्शियम लॉस जो है वो इन चीज़ों से ज़्यादा होता है बेसिकली। तो कौन सी ऐसी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें आप ना खाएं और जो आपने बताया कि जिनसे कि हमारे केमिकल्स बॉडी में आते हैं और कैल्शियम को हमारे कम करते हैं? देखिए, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं यूँ समझ लें, एक होता है टॉक्सिक प्रोटीन्स जैसे कि जितने भी नॉन मीट अंडे मछली वगैरह जो भी है और जो पनीर वगैरह जो भी है, और एक होता है वेजिटेरियन जिसमें कि रोटी दाल वगैरह होती है, तो ये तो सब है टॉक्सिक प्रोटीन्स जो अन्न दालें भी हैं। तो और एक होता है नॉन टॉक्सिक प्रोटीन जिसकी वेस्टेज बॉडी में कम बनती है और जिससे बॉडी में विषाक्तता पैदा नहीं होती जी। वो है नट्स एंड स्प्राउट्स जी। जितने भी नट्स हैं जी। वो सब बॉडी में नॉन टॉक्सिक है, उनकी वेस्टेज ज़्यादा नहीं बनती जी। और स्प्राउट्स भी जो है जब वो वेजिटेबल किंगडम में आ जाती है मतलब जब स्प्राउट होने के बाद में जी। तो उसकी भी वेस्टेज बॉडी में नहीं के बराबर बनती है। तो ये दो नॉन टॉक्सिक प्रोटीन के कारण आप अगर वही प्रोटीन सोर्स है लेकिन वो अच्छे डाइजेस्टिबल फॉर्म में है और अल्कलाइन फॉर्म में है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें बॉडी में से कैल्शियम जाने का चारा नहीं है, और जितने भी नट्स होते हैं ये सब हमेशा बॉडी को कैल्शियम सप्लाई करते हैं जी। क्योंकि आप जो भी बादाम खाओगे, अखरोट खाओगे, और सबसे ज़्यादा हाइएस्ट कैल्शियम फूड जो है वो हमारा तिल है जी, सिसमी सीड्स जी। वैसे तो देखिए, ये भाषा को मैं गलत मानता हूं कि आप कैल्शियम को समझकर कोई खाना खाएं, ये तो एक प्रकार की मूर्खता होगी। कारण क्या मालूम है, आप है ना पागल हो जाओगे, सारे दिन वो चार्ट को देख देख के आप खा नहीं सकते। देखिए ना, संतरे में कैल्शियम है, ऑरेंज में नहीं, अंजीर में कैल्शियम है, केले में कैल्शियम है, तो ऐसे पालक में कैल्शियम है, तो ऐसे आपका काम है आप जो सीजनल नेचुरल चीज़ें हैं उसको अनप्रोसेस्ड अनकुक्ड करके खाने की कोशिश करो, तो बॉडी को पूरा जब मटेरियल मिलेगा तो वो बॉडी का काम धंधा है कि कैल्शियम को कितना मैनेज किया जाए जी। तो आप जानबूझ करके बाहर से कैल्शियम वाला फूड करके खाएंगे तो आप एक प्रकार से पागल होने लग जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो डॉक्टर शर्मा, चलते चलते आपसे हम टिप्स लेना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत समस्या आ रही है विटामिन डी की कमी को लेकर और कैल्शियम को लेकर, तो क्या उनका कैसी दिनचर्या हो, कैसा उनका लाइफस्टाइल हो और क्या उनका खान पान हो और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहें और उनमें जो विटामिन डी का लेवल है और जो कैल्शियम का लेवल है बहुत अच्छा रहे, उनको जोड़ों की समस्याएँ ना आए, मस्कुलर प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पहली बात तो हम पैसा कमाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए जी। लेकिन मजेदार बात ये, मजेदार या दुखद बात ये है कि उससे हम जो है सारा
बॉडी को डैमेज करने वाला खाना घर में लेकर आते हैं, प्रोसेस ने, टीन ने, कैन ने, तो फ्राइड ने, सब कुछ। तो इसीलिए मैं उनसे यूँ कहना चाहूँगा कि आप अपने खाने में कम से कम एक बार प्रॉपर फूड ज़रूर खाएं जी, और खाने में सलाद की अच्छी मात्रा लें जी, और उसके बाद खाना खाएं, और वेजिटेबल जूसेस पीने की कोशिश करें, मिक्स वेजिटेबल्स, गाजर के जूस वगैरह, जिससे कि बॉडी में अल्कलिनिटी का डेवलपमेंट हो जी। और प्लस जितने भी आप दालें, मीट, अंडे या नॉनवेज, जो भी आप हाई प्रोटीन खाते हैं, आप उनको जितना कम से कम ले सकते हैं उसको लेने की कोशिश करें। जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनको तो ये मान के चलना पड़ेगा कि नॉनवेज के रहते हुए बॉडी में हाई एसिड तो आने वाली है, उसे बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितना कम लेंगे तो उतना नुकसान कम होगा, सीधी सी बात है। और जो लोग अन्न दालों पे निर्भर है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने अन्न दालों को कम से कम 50% कट करके, उनको कट करने से ये होगा कि उतनी 50% एसिड कम बनेगी तो कैल्शियम का उतना ही कम लॉस होगा। तो इस तरह से उनको वो, इस तरह से अपने अन्न दालों को कम करके फल, सलाद और मेवे इनको बढ़ाएं, यानी कि नट्स को, स्प्राउट्स को प्रधानता दें, और थोड़ा सा धूप में जाने की कोशिश करें, आधा घंटा भी मिनिमम, और साथ साथ में ऐसे कुछ प्रयोग करें पॉजिटिव रहने की, ध्यान के प्रयोग, मंत्र जाप के प्रयोग, स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस करने के प्रयोग, कि जिससे आपका मन शांत रहे और आप थोड़ी एक्सरसाइज और आउटडोर एक्सरसाइज कर सकें। बस इतना सा ख्याल रखना है, हेल्थ कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। यू हैव टू फ्लो, यू डोंट हैव टू फाइट विथ योर लाइफ। You have to flow, you don't have to fight with your life. तो जिस तरह डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं अपनी डाइट में बढ़ाइए, सैलड लीजिए, नमक का इस्तेमाल कम करें, चीनी को भी अपने किचन से हटाएं, और अच्छी दिनचर्या रखें, एक्सरसाइज करें, धूप में जाएं, और बस इतना ही करना है और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, हम और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।